नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है मैट्रिक किसे कहते हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, और मैट्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर का फुल फॉर्म क्या होता है, किसे कहते हैं। मैट्रिक का फुल फॉर्म होता है मैट्रिकुलेशन, और इंटरमीडिएट का फुल फॉर्म होता है, सॉरी, इंटर का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट। आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या, इसे 10th को कहते हैं या 12th को कहते हैं या 11th को कहते हैं, क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैट्रिक का फुल फॉर्म है मैट्रिकुलेशन, इंटर का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट। मैट्रिक कौन से क्लास को कहते हैं, अगर जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स पे अभी से अभी डालें। मैट्रिक कहते हैं 10th क्लास पास जब आप करते हो, तो आप कह सकते हो इसने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली 10th क्लास को आप मैट्रिक कहते हो। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं या इंटर किसे कहते हैं, 11th एंड 12th। अगर आप कहते हो कि मैं अभी इंटर में हूँ, तो इसका मतलब है या तो आप 11th में हो या आप 12th में हो। 11th को आप +1 कह सकते हो, 12th को आप +2 कह सकते हो। तो बेसिकली आप इंटरमीडिएट में हो, और मैट्रिक में हो आप मतलब 10th क्लास में हो। आपने मैट्रिक दिया है मतलब आपने 10th दे दिया है, आपने इंटर कंप्लीट कर लिया है मतलब आपने 11th एंड 12th कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको मैट्रिक और इंटर की फुल फॉर्म पता हो गई होगी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसे कहते हैं ये भी पता चल गई होगी। बस यही है, और अगेन चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्त जिसे ये पता नहीं है उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।